हाँ तो पूछ रहे थे हम कि तुम बोल रहा था कि बाकी लोग का तो क्या एक्टिंग हुआ, वाह भाई वाह, इसको बोलो कभी अबे संडे को चलो राइड में, अबे भाई पढ़ाई कर रहे भाई। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी को बढ़िया होंगे। सो जब से 2021 का लॉकडाउन खत्म हुआ है ना यार, तब से मेरे को एक बाइक ट्रिप में जाने का बहुत ज़्यादा मन है। लेकिन दिक्कत ये आ जा रहा है ना, एक दिक्कत है मेरा खुद का, जो कि मेरा लॉकडाउन में जितना भी मेरा पेंडिंग काम था वो सब काम मेरे को कम्प्लीट करना है। और दूसरा दिक्कत है मौसम का, मतलब अभी भी लास्ट दो दिन से बारिश हो रही है, तो इसके वजह से हम निकल नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा एंड मौसम ठीक होगा, हम एक छोटा मोटा बाइक ट्रिप में निकल जाएंगे। देखो मेरे को ज़्यादा लंबा बाइक ट्रिप नहीं करना है, मतलब 150-200 किलोमीटर का भी रहेगा तो मेरे को चलेगा, लेकिन एक प्रॉपर बाइक ट्रिप चाहिए मेरे को। मतलब कैसे बताएं, दिल का गहराई का ख्वाहिश है कि मेरे को एक बाइक राइड चाहिए। लेकिन राइड करने से पहले ना मेरे को फिर से अपना हेलमेट में मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हेलमेट हमारा बाइक के ऊपर रखा हुआ था एंड वहाँ से वो गिर गया। एंड यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक्शन कैमरा का माउंट लगता है एंड ये माउंट के ऊपर फिर एक्शन कैमरा जो हमारा ये वाला है वो यहाँ पे ऐसे लगता है, तो यहाँ पे ये एमसील लगा हुआ है, एमसील से इसका माउंट ही पूरा का पूरा उखड़ गया, तो मेरे को ये फिर से बनाना पड़ेगा। ला ये निकल चुका है जो पुराना वाला एमसील था हमारा, अब ये कोई काम का है नहीं। एमसील को अगर बढ़िया से मिक्स कर लोगे ना तो ये पूरा ऐसा एकदम ब्लैक दिखने लगेगा एंड ये गर्म भी हो गया अंदर से, मतलब हीट छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि एमसील हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको बड़ा प्यार से एंड अच्छे से हेलमेट के ऊपर लगाना है। ध्यान रखना कि हेलमेट का जो निचला पार्ट होगा ना, मतलब इस तरफ का पार्ट होगा, ये इस तरफ के पार्ट से ऊँचा रहेगा, तो इस तरफ दबाना है और इस तरफ ऊंचा रहेगा थोड़ा। एक बार जो आपने एमसील को अच्छे तरीके से हेलमेट में लगा दिया, उसके बाद आपको अपना एक्शन कैमरा का जो माउंट है उसको उठाना है एंड उसको सिंपली यहाँ पे प्लेस कर देना है अच्छे से दबा के। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये देखना ये एकदम स्ट्रेट लाइन में लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर लेफ्ट या राइट होगा ना तो एंगल सही नहीं आएगा। तो लगभग ये स्ट्रेट ही लगा है मेरा। जो एक्स्ट्रा एमसील है साइड साइड में, इसको छुरी लेना है और काट देना है ताकि ये थोड़ा क्लीन लगे। देखो अभी कुछ ऐसा लग रहा है, तो अभी इसको लास्ट चेक करना है कि ये एकदम अलाइंड है या नहीं, उसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। तो लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा दैट हम इस पर ही पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग किए थे एंड ऑफ रोडिंग करने के चक्कर में बाइक जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, बिकॉज उसको डायरेक्ट हम लोग कीचड़ में उतार चुके थे। तो इसके वजह से अभी बाइक को भी मस्त वॉश करना है, वॉश करने के बाद पॉलिश करना है ताकि बाइक एकदम दिखे एकदम चकाचक। दिस इज़ द नेक्स्ट डे, हेलमेट को रख दिया हम सूखने के लिए, अभी भी प्रॉपर तरीके से सूखा नहीं है। एंड अभी हम आ चुके हैं बाहर कुछ काम से, एंड क्या काम है वो आपको आने वाले व्लॉग्स में बता दूंगा। लेकिन आज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दैट टुडे आई एम मीटिंग माय फ्रेंड रजत, जो कि लॉकडाउन के दो तीन महीने के बाद आज उससे मिल रहा हूँ मैं। तो जिस काम से हम आए थे वो काम अभी हमारा कम्प्लीट हो चुका है एंड अभी हम बस इधर ही ग्राउंड की तरफ आके बैठे हुए हैं। एंड हमसे कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत दिनों के बाद चैनल पे दर्शन दे रहे हैं मिस्टर रजत। तो क्या हाल है दोस्त? बस बढ़िया चल रहा है। और वैक्सीन ले लिया? ये तो लिया। वैक्सीन लेने के बाद क्या हालत था? एक दिन फीवर आ रहा बस, कुछ। अच्छा, मेरे को तो फोन में कुछ और बता रहा था। क्या बता रहा? वो हम इधर नहीं बता सकते। अभी हम लोग का बात हो रहा था कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे मुंबई कर निखिल कह लो, MSK कह लो, या तो फिर गौरव तनेजा को भी ले लो, फ्लाइंग बीस्ट, सबके ऊपर ना एक्सपोज्ड वीडियो बना है। और फ्लाइंग बीस्ट का एक्सपोज्ड वीडियो देखा था? दूर नहीं, जब तुम्हारे ऊपर भी एक्सपोज्ड बनेगा मेरे को तो मजा आएगा। नहीं तुम बनाएगा तो थोड़ा खतरा है, बाकी बात को टेंशन नहीं है। लेकिन सबसे भयंकर मेरे को लगा था ना जो फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर बनाया था एक्सपोज्ड वीडियो, देखा था? हाँ। पागल जैसा हंस रहा है और बता रहा है। और एक चीज देखे थे कि फ्लाइंग बीस्ट एक साल पहले वीडियो डालते कि फाइनेंशियल क्राइसिस उनको हो गया बोल के, एंड एक साल के बाद BMW ले रहे, तो वो पॉइंट को भी लेकर के बोला था। लेकिन एक साल में गौरव भाई ने कितना मेहनत किया यूट्यूब में वो उसने नहीं देखा, मतलब रोज एक वीडियो डाल रहे। एंड बींग अ व्लॉगर ना भाई,
रोज व्लॉग करना ना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज देखो यार कैमरा के सामने आने के लिए एंड कैमरा के सामने बात करने के लिए ना एक अच्छा मूड रहना चाहिए, एंड वैसा मूड रोज रोज हर किसी का नहीं होता है। तो कभी आपका मूड खराब भी या फिर आपके लाइफ में कुछ खराब चीज भी हो रहा है तो उस टाइम भी आपको कैमरा उठा के बात करना है, व्लॉग बनाना है। तो उसके लिए जितने भी लोग डेली व्लॉग्स करते हैं ना भाई, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। मेरा फंबल होने का आदत हो गया है, दिक्कत ये हो गया ना कि लॉकडाउन में ज्यादा किसी से बात नहीं की है, समझा? तो अभी बात करते ना तो फंबल बहुत ज्यादा होता है, तो अभी बात करते करते वो धीरे धीरे कम होगा। कैमरा पकड़ कैसे कर लेता है क्या? कैमरा पकड़ कैसे कर लेता है? अरे जिम करते थे ना कैमरा पकड़ने के लिए, तो अभी जिम के ना एक महीने से मेरा छूटा हुआ है, इसके वजह से अभी मोबाइल भी भारी लग रहा है मेरे को। तो हम ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे, हम भूल गए कि देखो अभी मैं ज्यादा प्रेशर खुद के ऊपर नहीं डालना चाहता हूँ कि मेरे को व्लॉग्स बनाना है, बिकॉज अभी देखो फिर से थर्ड वेव आएगा, तो फिर से मे भी हो सकता है कि लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो जाए, तो उसके वजह से सब चीज सोच के अभी 2 व्लॉग्स पर वीक। रजत जो है ना मेरे घर से महज 3 किलोमीटर दूर रहता है, 3 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन पूरा लॉकडाउन में एक भी बार मिला नहीं है। तुम भी तो नहीं मिला, बिकॉज तुम बिजी था सर। इसको बोलो कि भाई क्या कर रहा है, मिलेगा क्या शाम में? अरे भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं भाई। इसको बोलो कभी, अबे संडे को चलो राइड में। अबे भाई पढ़ाई कर रहे हैं भाई। इसको बोलो अबे कभी फ्री है चलो ना मिलते तेरे घर के पास, हम आते। अरे भाई सुनो पढ़ाई कर रहे भाई, लड़का बड़ा पढ़ाकू है क्योंकि तुम कॉलेज में और हम बस 12वीं पास है। भाई कॉलेज का नाम मत ले, भाई कॉलेज का नाम मत ले, मेरे को दिल से बुरा लगता है, प्लीज भाई दिल से बुरा लगता है। ऑनलाइन क्लास के नाम में पता है क्या करवा रहा है? क्या? व्हाट्सएप पे नोट्स भेजता है, और वो भी ऐसे नहीं कि रोज रेगुलर 9 बजे भेज रहा है, अंडरटेकर कैसे उठता है, जब मन किया उठ जाता है ना, वैसे ये लोगों को जब मन किया अंडरटेकर के जैसा उठेगा, नोट्स फेंक देगा ग्रुप में, रिकॉर्ड करके भी नहीं भेजता है, रिकॉर्ड मतलब व्हाट्सएप में वॉइस नोट्स भेज रहा है, वॉइस नोट्स क्या ही पड़ेगा बच्चा? तब देखो बच्चा एक तो क्लास में जाता है ना जहाँ पे टीचर 100% समझाता है, तो उसको 60% मुश्किल से समझ में आता है, ज्यादा होशियार है इसके जैसा तो 70% समझ में आएगा, लेकिन अगर हमारे जैसा तो 40-50% समझ में आता है, और वो भी ऑनलाइन क्लास में चलो 30% समझते, वॉइस नोट्स में 10% भी नहीं समझते हैं। और रांची यूनिवर्सिटी कहता है कि एग्जाम हम ऑफलाइन लेंगे, बस नोट्स भेज दे तो कुछ नहीं समझ में आता है। यहाँ बच्चा को नोट्स का तुम बात कर रहे हो, यहाँ हम लोग को सिलेबस समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग का सिलेबस क्या है, तुम नोट्स का बात करता है। तो राइड में जाने से पहले मैंने 2 चीज मंगाया था अमेजोन से, एंड अभी डिलीवरी वाले का कॉल आया है कि वो अभी 10 मिनट में घर पहुंचने वाला है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई रजत मिलते हैं, अब मिला करो बे साले। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, घर पहले छोड़ेंगे तब तो तोड़ेंगे, घर छोड़ता नहीं है। तो अभी जैसे घर पहुंचे फिर से बारिश स्टार्ट हो चुका है, एंड हमारा जो पार्सल आने वाला था वो हमारे पास आ चुका है। तो पार्सल में हम 2 चीज मंगाए थे, एक तो था 32 GB का सैमसंग का मेमोरी कार्ड, बिकॉज अपने को मेमोरी कार्ड का ज़रूरत पड़ता है, और दूसरा जो था एंड जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो था ये। अब ये क्या है ना, इसके बारे में अगले व्लॉग में बताएंगे, बिकॉज इसका यूज़ हम अगले व्लॉग में करेंगे, एंड अगला व्लॉग जो भी होगा ना बहुत सिनेमैटिक व्लॉग होने वाला है, तो अगला व्लॉग मिस मत करना, बिकॉज उसमें इसके बारे में बताएंगे एंड इसका यूज़ करेंगे। और जहाँ तक बात है हेलमेट का, तो हमारा जो हेलमेट का माउंट हमने कल बनाया था वो बहुत अच्छे तरीके से अभी सूख चुका है, देख सकते हो, एंड इसको चेक करना है ना कि सही तरीके से अटैच हुआ है कि नहीं हुआ है हेलमेट में। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको माउंट से पकड़ो, एंड अगर ये हेलमेट का वेट ले रहा है ना तो समझो कि ये बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो चुका है आपके हेलमेट में, एंड का एक्शन कैमरा का वेट भी वो आराम से ले लेगा। तो वैसे अभी तो प्लान था कि बाइक उठाएंगे, हेलमेट में एक्शन कैमरा लगाएंगे एंड बाहर जाएंगे थोड़ा मोटो व्लॉग करने के लिए, लेकिन मौसम देख के लग नहीं रहा कि अभी हम बाहर जा सकते हैं, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, एंड अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो, एंड व्लॉग्स देखते रहो। कह रहे थे बाकी लोगों तो डेली व्लॉग्स आ रहा है, तुम्हारा कब से आएगा? देख भाई अभी मेरा डेली व्लॉग्स तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम लैपटॉप नहीं ले सकते। कट।